ये रहा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान प्री बोर्ड एग्जाम 2022 का संपूर्ण सॉल्यूशन। जी हाँ, वो भी अच्छा रियल है, ठीक है ना। आप देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से देख लेना पहले के है और ये देख ले दूसरे के, ठीक है ना। दूसरे में यहाँ पर आएगा हाइड्रो ऑक्साइड भी हो सकता है, एक हाइड्रो भी अथवा उदासीन हाइड्रो ऑक्साइड भी से कहते हैं, ठीक है ना, ये लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा देख सकते हो आप अच्छे से, ठीक है भैया, यही समय है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये देख सकते हो दूसरे के चल रहे, ठीक है। और यहाँ पर वृषण नहीं आएगा, ठीक है ना, मैंने इसको सही किया है, ठीक है। अंडाशय आएगा, ठीक है ना, एक वीडियो में वृषण दे रखा था परंतु अंडाशय आएगा, अंडाशय अर्थात गर्भाशय, ठीक है ना, ये आएगा, ठीक है, ओके। ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पर आएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाएगा पोटेशियम, यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा किस प्रकार आएगा, ठीक है। चलिए चलते जाइए, यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क वाले में 7, लगभग 7 pH, ठीक है ना। ख वाले में जाएगा मिश्र धातु, है ना। ग वाले में क्लोरोफिल निषेचन, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए नीचे आइए, और नीचे यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा वाला है, ठीक है ना। तेल एवं संयुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, देख सकते हो आप, ठीक है, फटाफट। ये इसकी PDF भी दूंगा मैं, ठीक है ना भाई, ओके। यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, ये रहा आपका 8वां, ठीक है। देख सकते हो धमनी और शिरा में अंतर है, ठीक है, ये अच्छे से देख लेना, ओके। चलिए यहाँ पर आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, ये 9 का उत्तर ये रहा, ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हो, अथवा वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है, ठीक है, ये 11 का रहा, ठीक है, 11 का देख सकते हो, 11 का अभी आधा ही है, नहीं नहीं पूरा है, ठीक है, पूरा है भाई, दोनों दोनों में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये रहा 12वां का उत्तर, ये थोड़ा आधा ही आधा और बच रहा, ठीक है, सबसे पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद आधा ये इधर रहा, ठीक है, ये रहा आधा, ये आधा ये, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है अथवा वाला, देख सकते हो आप, ठीक है, ये देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है, ठीक है ना, ओजोन परत क्षय होने के कारण, तो इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा प्रश्न क्रमांक 15 के उत्तर, ठीक है ना, ये ए वाला ही है अभी, तो ये ए वाला है, ठीक है, और है, देख सकते हो। यहाँ पर ये रहा बी वाला, ये रहा सी वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते, ये रहा आपका 16 क्वेश्चन का आंसर, देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छे से लिखा है, ठीक है, अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये रहा प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण इस प्रकार है, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर है, ठीक है, 18 का ये रहा, ओके, ये रहा, ओके, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नीचे आते हैं, नीचे रहा ये रहा आपका 19वां उत्तर, देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, इसका आधा उत्तर ये रहा, ठीक है ना, आधा और छूट रहा था, आधा ये है, ठीक है। अब ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, ठीक है, ये देख सकते हो आप, एथेन का इस प्रकार लिखना पड़ेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। कौन सा क्या प्रश्न क्रमांक 20, ये 20 का ए वाला ये रहा संरचना सूत्र, ये 20 का बी वाला ये रहा ख वाला, ठीक है ना, ख वाला। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगला ये रहा, ठीक है, ये ग वाला, ठीक है, ये ग वाला, ओके। चलिए ये रहा आपका घ वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका चित्र मानव पाचन तंत्र का, अर्थात मनुष्य में पाचन तंत्र का, आप अच्छे से देख सकते हो, इस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, इसकी वीडियो में डाल चुका हूँ, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 22 जो बच रहा है, इसका मैं आंसर आपको कल दूंगा, कब दूंगा, कल, क्योंकि अभी इसका आंसर ऑल यूट्यूबर्स रॉन्ग बता रहे हैं, जी हाँ रॉन्ग बता रहे हैं ऑल यूट्यूबर्स, कोई ने आज अभी तक सही जो आंसर है वो नहीं बताया, इसलिए मैं भी इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं आपको कब बताऊंगा, या तो रात को बता दूंगा 8-9 बजे तक, ठीक है, 8 या 9 बजे तक, या फिर 8 या 9 बजे तक नहीं बताऊँगा तो कल सुबह 8 बजे तक आपको ज़रूर बता दूंगा, कल सुबह 8 बजे ज़रूर देख लें। और PDF डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप चाहे तो मुझे 8959994657 पर मैसेज कर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। उसके पासवर्ड के लिए आप चैनल का नाम याद रख लेना, ठीक है, अगर पासवर्ड मांगे तो।